हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाह शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। दोस्तों, बिहार चुनाव बहुत जल्द आने वाला है और हम लोगों के बीच इस बार असमंजस लगा हुआ है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो है बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और हमारे बीच एक दिव्यांग भाई है यहाँ पे, और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर। 15 वर्ष के नीतीश कुमार के सरकार में है, लेकिन विकलांग के बहुत दुख हो रहा है। 400 के महीना में विकलांगों के कुछ नहीं हो रहा है, और गरीब के सब मार पीट पीट के भगा रहा है यहाँ से। बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े जाति, भुइयार राजपूत सब जाति है, और विकलांगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार में। एम की बार में नीतीश सरकार के बिहार से उखाड़ फेंकना है, RJD की सरकार बनाना है, तेजस्वी सरकार के बनाना है मुख्यमंत्री है। अब मोदी के फिर भी बिहार में नहीं आना है एम की बार में है। 4 गो के फांसी देकर मार दिया है ना, वे चलते और जनता बिगड़ा हुआ है। अब हमारे बीच एक और यहाँ पे मजदूर भाई है, इनसे भी जानना चाहेंगे इस बार जो है आप बिहार में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, कौन, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार क्यों, तेजस्वी यादव आपको पसंद क्यों नहीं है? है पसंद। तो फिर आप नीतीश कुमार को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? चलिए जो कहिएगा वही मंजूर है ना, बोलिए ना अपना मन से, बोलिए। नहीं, ये इनको कंफ्यूजन है किसकी सरकार बनी, लेकिन फिर भी ये आप नीतीश कुमार से खुश नहीं है क्या? खुश नहीं है, नीतीश कुमार हमको मार मार कर बिगलाता है, 400 के महीना देता है, उसे गरीबों को पेट नहीं भरता है विकलांगों के। बड़का बड़का जात गरीब हमको मार मार कर बिगड़ाता है यहाँ से, इसलिए नीतीश कुमार से आप खुश नहीं है? नहीं है, वोट देगा तेजस्वी यादव को। अच्छा, मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए, अच्छी सरकार नहीं है क्या? मोदी सरकार अच्छी सरकार नहीं, 4 गो के फांसी लगा दिया, नहीं चलते, ना खुश है जनता बस। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आपकी बार फिर से मोदी सरकार कभी ना बनेगा जिंदगी में, नहीं कभी जिंदगी में नहीं बनने वाला है। अगर बन जाती है तो फिर आप क्या करिएगा? नहीं बनने वाला है, बन जाएगा तो अपने फांसी लगा कर मर जाऊंगा। क्यों, आपको राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी ठीक है बस। दोस्तों, यहाँ पे जो दिव्यांग भाई जो है ये अपनी बातों को रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले दिनों आपने देखा कि हाथरस में लगातार अभी जो यूपी में, खास करके देश के अलग अलग कोने में, खास करके यूपी में बहुत सारे यहाँ पे रेप के कांड हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो है बर्बरता की जा रही है और बुरी तरह से उनको रेप करके जला के, मतलब रेप करके और बहुत बुरी तरह से उनको मार दिया जाता है, तो उस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले पा रही है? वो सब योगी सरकार सबको दे रहा है, एक पुलिस के घुसखोरी या पुलिस के योगी सरकार मनमानी कर रहा है, वो सब योगी सरकार के कानून है बस। तो आपके कहने का मतलब कि योगी सरकार उसको बचाना चाहती है? हाँ, रेपिस्ट को, हाँ रेप केस में योगी सरकार बचाना चाहते है सब केस में, और योगी सरकार उसको दे रहा है उसको। अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी जब वहाँ पे परिजनों के पास उनके पहुँच रहे थे, पीड़ित के जो लड़की के साथ जो रेप हुआ था, उनके परिजनों के पास जब पहुँचना चाह रहे थे तो उनको पुलिस धक्का देकर गिरा दिया। हाँ, धक्का दे दिया, लेकिन पुलिस उसको मनमाने के सरकार जिसको है उसी के ना बात सरकार के मानेगा पुलिस है। पुलिस जिसको सरकार है, पुलिस जो कानून लगाएगा ना, वो ना पुलिस बात मानेगा सरकार के। अच्छा, लोग कहते हैं कि यूपी में जो है राम राज्य है, तो इसको आप किस प्रकार देखते हैं? राम राज्य तो सही है, लेकिन कानून के अनुसार सही है, राम राज्य ठीक है, लेकिन योगी एकदम गलत बात यहाँ पर रेप केस करवाता है जल्दी और उसको बस। क्या राम राज्य में इस तरह का, मतलब खुलेआम एक महिला को रेप करके बुरी तरह से उसके जवान काट लिया जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है, आँख फोड़ दिया जाता है, तो क्या इस तरह से होना जरूरी, मतलब राम राज्य है क्या ये, कैसे राम राज्य है? राम राज्य में सही राम राज्य है भाई, किसने राज्य है अलग की बात है, तो धर्म स्थल है हाँ, लेकिन वहाँ पर कानून अलग अलग है, लेकिन योगी वहाँ पर वोट बैंक अपना बना रहा है ना। तो आपके कहने का मतलब है कि योगी सरकार जो है रेपिस्ट को पनाह दे रही है? हाँ, पनाह दे रहा है वहाँ पर मुसलमान मुसलमान गरीब दुखिया के सता रहा है वहाँ पर।
हाँ बात है। तो इनका कहना है कि योगी सरकार जो है मुसलमान और गरीबों को जो है सता रहा है। अल्पसंख्यक अति पिछड़ियों की अति सबके सता रहा हूँ वहाँ पर बस। अच्छा आपका क्या नाम है? उमेश राम। और कितना तक पढ़े लिखे हैं? डबल बी ए किए हुए हैं। डबल बी ए? हाँ डबल बी ए। कहाँ के रहने वाले? नीलो रुकुमपुर कोट डबल थाना तिसियौता प्रखंड पातेपुर जिला वैशाली का। बिहार के रहने वाले? हाँ, दोस्तों ये दिव्यांग भाई जो है ये पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल अपनी सूझबूझ से अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे थे और इनका अपना एक सुझाव था कि बिहार में किसको मुख्यमंत्री के रूप में ये देखते हैं। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त साहिद सफीक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक को, और वीडियो को फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।